किसी भी प्रकार जाए। तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूँ आज फोमाइट्स के बारे में। अब हम घर में आइसोलेट हो गए हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें फोमाइट्स का ख्याल रखना है। अब फोमाइट्स क्या चीज होती है? फोमाइट्स वो वस्तु होती है जो कि जिस पर कि वायरस अटैच हो जाता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, न्यूज़पेपर। हम हमारे घर में रोज सुबह न्यूज़पेपर आता है, बॉय हमें न्यूज़पेपर फेंक देता है और हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट ये न्यूज़पेपर में वायरस अटैच हो सकता है। सो न्यूज़पेपर विल एक्ट एज अ फोमाइट। इसके अलावा दूसरी चीजें क्या हैं? जैसे मिल्क पैकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी हम मिल्क पैकेट्स ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फोमाइट की तरह एक्ट कर सकता है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज फोमाइट्स। हमें फोमाइट्स से दूर रहना है, हमें अपने घर में फोमाइट्स की एंट्री नहीं करनी है। सो ये तो है प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है? यस, जैसे मिल्क पैकेट्स हैं तो आप उनको रनिंग वाटर में डिटर्जेंट के साथ वॉश कर सकते हैं, उसके बाद आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से कुछ और सामान आपने मंगाया है तो अगर वो सामान खराब होने वाला नहीं है तो उसको कार्टन को वहीं छोड़ दीजिए। सो एटलीस्ट ऐसा करने से 12 से 24 घंटे बाद वायरस खुद ही उसमें मर जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चंद और बातें हैं, मैं अभी भी देख रही हूँ लोग बाहर घूम रहे हैं, ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं। हमें ये सब चीजें रोकनी होंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो हम एट रिस्क हैं। और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये असेंशियल काम है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो घर आइए, सबसे पहले आप किसी भी डोर नॉब, किसी भी हैंडल को मत छूइए। घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए, कपड़ों को वॉश करिए, नहाइए। आप देख रहे हैं मैंने सर पे कैप भी डाली है, बिकॉज मैं अपने हेड को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा हेड पे जो मेरे हेयर है वो एक फोमाइट के जैसे एक्ट करे। सो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको कंप्लीट पूरा नहाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने जो आपके जो लड़के बाहर जा रहे हैं या आपके सर्वेंट्स हैं, उन पर भी आपको पूरा ख्याल रखना है। सो ये सब चीजों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे होम, अवॉइड फोमाइट्स। फोमाइट्स आर द थिंग्स नाउ विच यू हैव टू टेक केयर। घर पे रहते हुए हमें फोमाइट्स से दूर रहना है। नमस्कार।